भाई जगतार सिंह अवारा साहब ने इस फांसी की सज़ा की अपील की हाई कोर्ट के जस्टिस मेहताब सिंह गिल उन्होंने फांसी की सज़ा लाइफ सेंटेंस से कम्यूट करती तोड़ती मतलब फांसी की सज़ा जो कम्यूट की कम्यूट के नाल एक शब्द लिखता कि टिल लास्ट ब्रैथ ही विल कैप्ट इन द जेल वो जिहड़ा लास्ट ब्रैथ का शब्द आ वह गलत है कि 16 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट आ इतने तो 32-32 साल हो गए गुरदीप सिंह खेरा साहब होना खुद मैं एडवोकेट एज अ मैं सानू खुद न शर्म फील होंगी इस गलते कि जी ये कर रहे ने एक तरफा जोड़ा व्यवहार इन्हों का सरकार का गौरमेंट का है ये सही नहीं है बिगाड़ता इन्हों का ये सेंटर सरकार तो पंजाब सरकार के उत्ते गल आ जी जी पंजाब सरकार वो ये कह के पला छड़ा लेंदे भी साढ़े हाथ कुछ नहीं समझता सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जाती है तो ये पंजाब सरकार इस मामले दे विच की कुछ कर सकती है जिहड़ा नहीं किया जा रहा जो साड़ी पंथक सरकार जिन्हों आप कहने से साढ़े शर्मा और ने असल दे विच है तो वह सब तो वड्डे गद्दार सन उन्होंने को इन्नी पावर सी वीर जी वो अपन जेलों के जाके बह फाड़ के बंदी संघा रिहा कर सकते हूँ चिट्ठिया देंदे फिरते हैं यो ही सुखबीर बादल जो हूँ बंदी सिंह के गाने गाँव फिर यह जथेदार जगतार सिंह हवारा कातल दसदा सी हूँ वह बंदी सिंह बन गया कातल जो भाई गुरबख्श सिंह इतने ही अमृतसर मोर्चा लगा से ये उन्होंने गोडिया जो बह के कहना सी बंदी सिंह रिहा होने चाहिए ने मान साहब सीएम जरूर ने पर उन्होंने जी चाबी आ केजरीवाल के हाथ से ने यह केजरीवाल हुणे ये नहीं चाहते कि सिखां दे नाल कोई अन्याय किया जाए ऐसे पिंड ने माझे दे विच कि जिथे 10-10, 12-12 साल जंजा नहीं चढ़िया इस करके नहीं चढ़िया कि नौजवान छड़िया ही नहीं सी इन्होंने तो भगत सिंह का परिवार नहीं छड़िया सिखां नूं वखरे कित्थों इंसाफ दे देणगे खालड़ा साहब की रिपोर्ट आ कि कला 6000 बंदा माझे चो ही मारता लवारिस लाशां कह के साड़ता अज भी तो दोष लगते हैं ना इल्जाम भी जेडे मंत्री ने जो धक्काशाही कर रहे नौजवानों का घाण किया जा रहा नौजवानों जेलों से झूठे परचे पाए जा रहे कलू कहने जे इन्हों का खून फेर खोल गया इन्हों बंदी सिंह का ही बेअंत सिंह वाला हाल जे इधर करते फिर किसी मंत्री का लखा की गिणती नौजवान फिर तुरै फिर वह तो उन्हों का भी खोल खोल सकता वो फिर सारे बंद कर दो ले जाके जिहड़ा विदेश चो सिख पंजाब की धरती च आउंदा पैर उन्हूं भी फड़ लो कल्ले कल्ले पिंडां चो सिख नौजवान गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि खून तो सिखां दा खोलना ही है एक दिन पापी को मारने को पाप महाबली आ उन्होंने तो बहुत वड्डा बरकवार किया फिर तो इत्थे एमरजेंसी ला के सिखां दे गलां दे विच जंजीरा पा लो तुसीं नौवां दे गुड करैक्टर ने असीं नहीं कहिंदे तिहाड़ जेल कहती है चंडीगढ़ जेल कहती है तो अमृतसर जेल कहती है टाणा तो भी माड़ी धारा कौन लेके आया सुखबीर बादल लेके आया पंजाब ताकि मैं सिख जथेबंदियों अपने थले रख सकाँ कुलतार सिंह संधवा वर्गा एक रिस्पोंसीबल बंदा जिहड़ा स्पीकर होवे एक विधानसभा का दूसरा वो सिख होवे अमृतधारी सिख होवे वो जाके कहे जी 1.5 महीना दे दिओ तो असी जो दुध का दुध पानी का पानी कर देंगे नॉमीनेट कर देंगे हूँ वो किसी मूँह नहीं दिखा दिया सब तो वह सिख नौजवानी का घाण हो गिरफ्तार हुए ने सिख नौजवान इन्होंने किए ने वो बादलों के टाइम हुए ने तो अज यही बंदे कागज़ का टोटा लेके कहते साइन कर दो जी आप मैनू कई पुलिस अफसर दस चुके ने कि वाकई जे बेअंत सिंह जीवंदा हुंदा कि अद्धी तो वध जिहड़ी सिख नौजवानी है वह खत्म कर देनी सी बंदी सिंह की रिहाई 328 स्वरूपां के मामले में इंसाफ बेअदबी दे इंसाफ अते कोटकपुरा बैबल कलां गोलीकांड मामले के इंसाफ नूं लैके मोर्चा YPS चौंक च लग्या होया बहुत सारिया जथेबंदियां इस मोर्चे के शमूलियत कर रही ने बहुत सारे कानूनी माहिर वकील जां होर विद्वान सज्जन भी इस मोर्चे की हमायत दे विच पहुँच रहे हैं सो गलबात अज असी करांगे साढ़े नाल एडवोकेट दिलशेर सिंह जसविंदर सिंह राजपुरा ते होर भी शख्सियत जिहड़ियां हैगियां खड़ियां ने गलबात करदे आ कानूनन पक्ष तों जे गल करिए भाई जी किवें वेखदे हो जे आपां कानूनन पक्ष देखिए बंदी सिंघां दी जिहड़ी जदों सजावां पूरियां कर चुके ने
उन्हां नूं बाहर ना कढ़ना सुप्रीम कोर्ट तक भी जाण तों बाद नहीं आउणा कारण की मानदे हो इहदा जां उह उधरों की कहिंदे ने जी भी क्यों नहीं आ पा रहे। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। सब तो वड्डी गल ई फेलियर ऑफ लॉ। असी सब तो पहले ये मानते हैं कि जिहड़ा फेलियर ऑफ लॉ है जिहड़े बंदी सिंह इस टाइम बाहर नहीं आ रहे। लॉ दो तरह चल रहा है, एक तो आपके पक्ष चल रहा इन्हां दे सरकारां दे, एक ओपोजिट चल रहा जिहड़ी है मेजोरिटी जिहड़ी है जनसंख्या उहदे लई चल रहा, जिहड़ी मेजोरिटी च हैगी आ उहदे नाल चल रहा है अते जिहड़ी मिनोरिटी च हैगी उहदे खिलाफ ये लॉ चला रहे ने। असी खुद मैं एडवोकेट एज आ मैनू सानू खुद नू शर्म फील हुंदी है इस गल ते कि ये जिहड़ी ये कर रहे ने सिखां नाल कर रहे जां होर मिनोरिटी जिहड़ियां मिनोरिटी च लोग ने उहनां नाल जो कर रहे ने ये एक तरफा जिहड़ा विवहार इहनां दा सरकारां दा गवर्नमेंट दा हैगा है, ये सही नहीं हैगा बगादा इहनां दा। सो चाहीदा ये आ जे राजीव गांधी दे कातलां नूं ये बाहर कढ़ सकदे आ, एडा वड्डा एग्जाम्पल आ जे उन्होंने आपदे बंदे वो बंदे बाहर आ सकदे आ तो फिर साडे बंदे क्यों नहीं आ सकते। उन्हां नूं 32-32 25-25 साल तो वध 32-32 साल हो गए कईआं नूं जेलां च बैठे नूं, उन्हां नूं क्यों नहीं कर रहे? वो कोई आपदे निजी कम्मां वास्ते जो निजी कोई ऐसा उन्हां दे लई नहीं गए सी अंदर, उन्हां ने कोई जिहड़ा स्टैप लिया एडा वड्डा स्टैप लिया वह भी तां इक पंजाब लई लिया एक कौम लई लिया सीगा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੇ ਬਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕ ਖਿਲਰੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਬੰਦ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਹੈ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਰਾਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰੇ ਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਲੋਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹ 1995 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਅ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਅ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ,
इस करके जजिस के खुद हाथ है नहीं गा। आप मैं उन्होंने की कह सकते आप असी की कह सकते एडवोकेट्स तो आपका का पूरा करते हैं जो सच्चे ने जो लड़ रहे ने मनोरिटी लई जो लड़ी जाते हैं वह लड़ रहे हैं पर एंड ऑफ द डे डिसीजन जो है जजिस के हाथ होंगे उन्होंने ही लैना हों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ट्रायल तो शुरू होने ट्रायल दे विच बेअंत सिंह एसीनेशन केस चंडीगढ़ चलता है सी बी आई ट्रायल करती है उन्होंने विच दो मुलजमान नूं फांसी की सज़ा भाई जगतार सिंह हवारा साहब नूं ते भाई राजोवाड़ा नूं भाई जगतार सिंह हवारा साहब ने इस फांसी की सज़ा की अपील की हाईकोर्ट के जस्टिस महताब सिंह गिल सी उन्होंने फांसी की सज़ा लाइफ सेंटेंस से कम्यूट करती तोड़ती मतलब फांसी की सज़ा जदों कम्यूट की कम्यूट के नाल एक शब्द लिखता कि टिल लास्ट ब्रैथ ही विल कैप्ट इन द जेल वो जिहड़ा लास्ट ब्रैथ का शब्द आ वह गलत है असी कहने डिस्क्रिमिनेटरी नहीं इदा कर सकते लाइफ मीनस लाइफ जे बाकियां लई लाइफ का मतलब 14 साल आ जां 20 साल आ हुण रीसेंट एग्जाम्पल आया सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक डी आई जी प्रिजन्स बिहार नूं एक इंस्ट्रक्शन देतियां कि 16 साल तो वध ताड़ी कोई भी जेल च बंदा पूरे बिहार च कोई भी बंदा हैगा जिन्हें 16 साल की कस्टडी कट ली आ जिहड़ी मर्जी सज़ा होई आ उहनूं बाहर छड्ड दिओ वाई हुण बिहार साडा ही एक कंट्री का सूबा है जे उत्थे 16 साल बाद मतलब कि लाइफ इंप्रिजनमेंट सैट करता कि 16 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट आ ते इत्थे ते 32-32 साल हो गए गुरदीप सिंह खेरा साहब होणा नूं 30 साल अपने प्रोफेसर दविंद्रपाल भुल्लर नूं हो गए 27-27 साल जथेदार साहब नूं हो गए ने बाकी सारी टीम नूं हो गए उन्हां दी ते इह डिस्क्रिमिनेशन क्यों आ इह सारा पोलीटिकल डिसीजनस ने कोर्टां इहदे ते मजबूर हो गईआं ने कोर्ट कहिंदे ने जो जज ने फैसला करता असी उन्हों इंटरप्रिटेट नहीं करना हुण प्रॉब्लम देखो कित्थे आंदी आ जेल्स जिहड़ियां ने स्टेट सबजैक्ट आ स्टेट सबजैक्ट दे होंदे तौर ते उन्हां दा इक मंत्री आ जेल मंत्री आ वो डिसीजन लै सकदा हुण प्रोफेसर दविंद्रपाल भुल्लर की पर्टिकुलर केस की गल करते हैं 2019 दे विच 550 साल प्रकाश पुरब ते नोटिफिकेशन आउंदा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लिस्ट जारी होंदी आ उहदे च कि आ बंदी सिंह ने इन्हां नूं छड्ड दिओ हालांकि उन्हां विचों 4 जां 5 पहले ही रिलीज़ हो गए सन कानूनी तौर पर ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आ अपने एक नाभा जेल के कैदी सन उन्होंने भूतना कह के जो उन्होंने नाम हैगा सी बीरा सिंह भूतना उन्होंने सज़ा पूरी कर ली सी वो अपने घर चले गए सन उन्होंने घरों चुक के जेल च लिया कि तुहानू रिलीज़ करना है लिस्ट के अकॉर्डिंगली मतलब किड्डा बड़ा फ्राड हैगा इदा उस लिस्ट जे दूजे नंबर के नाम प्रोफेसर दविंद्रपाल भुल्लर का मेरे को लिस्ट पई है नोटिफिकेशन की वो स्टेट सबजैक्ट दिल्ली का केस सी दिल्ली नूं रैफर करता दिल्ली ने उस नोटिफिकेशन दे एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड बनाया ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਲਾਅ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਨ ਡੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹਾਲਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰੀ ਰਿਵੈਲਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨਕਾਰਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ
जो पंथक सरकार जिन्होंने आप कहने से साडे सरमौर ने असल दे विच है ते वो सब तो वड्डे गद्दार सन अकाली दल जो उन्होंने को पावर सी उन्हों को इन्नी पावर सी वीर जी वो अपन जेलों के जाके बह फाड़ के बंदी संघा रिहा कर सकते सी हूँ चिट्ठिया दिंदे फिरते हैं हूँ काले चोले पवा के अपने एजीपीसी मैंबर को धरने कराते फिरते हैं जो पावर सी उदों नहीं किया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने रेजुलेशन पाया उन्होंने मता पास किया कि आ बंदे ने इन्होंने क्राइम किया पर उन्होंने सज़ा भुगत ली आ जी सज़ा उन्होंने लाइफ आ गलत आ लाइफ मीनस 20 ईयर्स उन्होंने बंदे रिहा करा ले इन्होंने उस समय जो इन्हों को असी जाते जथेबंदी के तौर पर जर जथेबंदियां जर साडे वर्गे सज्जन जोड़े इन जथे इन्हों चाहते कि बंदे बहर आन ये डांगा मारते उन्होंने पगं लाते यो ही सुखबीर बादल जो हूँ बंदी सिंह के गाने गाँव फिर ये जथेदार जगतार सिंह हवारा कातल दसदा सी हूँ वह बंदी सिंह बन गया कातल। इट मीनस कि यह सारा पोलीटिकलाइजेशन हैगी अज मता पा दे अज की सरकार आम आदमी पार्टी हूँ आम जोड़ा अज सा मुख्यमंत्री आ 2012 से तुम थली साहब चेता होएगा जो भाई गुरबख्श सिंह इतने ही आम साहब मोर्चा लगा से ये उन्होंने गोडिया से बह के कहता कि बंदी सिंह रिहा होने चाहिए ने अज तेरे को पावर अज अज तेरी कितने गई स्टेटमेंट अज आने वाले टाइम के फोटो साढ़े को वीडियोज़ ने साढ़े को जग जार करांगे भी ये जो कुर्सी पर बह गया तो स्टेटमेंट होर दिंदा तो ब हूँ जो उदों कख भी नहीं है जो चुटकले सुना लोगों उदों होर गल करता सारी पोलीटिकलाइजेशन मजबूरी की है जे आप अखीर देखिए निचोड़ कढ़ीए भी अखीर दे इन सरकारों की मजबूरी की बन जाती जो कुर्सी पर आ जाते हैं कि डर है भी कितने बंदी सिंह कल पोलीटिकल ना आ जाए पोलीटिक्स के ना आ जाए जे इतने राजनीति आते कि लोग इन्हों वजीर ज एम एल ए ना जिता देन एवें कोई डर ज कोई होर आ थली साहब ये देखो ये आप क्याफा ही आ मेरा अपना अंदाजा है कि दो गल्लां ने एक तो जिहड़े मान साहब ने यह हर एक बच्चे नूं पता कि मान साहब सीएम जरूर ने पर उन्हां दी जिहड़ी चाबी आ वह केजरीवाल के हाथ से ने जां उन्हां दा रिमोट कंट्रोल इस वेले राघव चड्डा ये केजरीवाल हुणे ये नहीं चाहते कि सिखां दे नाल कोई अन्याय किया जाए जे उन्हां नूं ये खदशा है कि जे बंदी सिंह रिहा होणगे साडा हिंदू वोट खराब होएगा एक तो खदशा ये आ दूजा इस वेले पंजाब दे विच समीकरण इदां दे ने तुसीं पंजाब दीआं वख-वख विशेआं ते कम करदे आ तुसीं रिपोर्टिंग करदे आ किहड़ा मामला है जिहड़े दे विच असीं दुखी नहीं हैगे ड्रग पेनीट्रेशन साडे च आ ब्रेन ड्रेन साडा हो रहा है सब तो ज़्यादा फूड एडल्ट्रेशन पंजाब च हो रही है बंदे साडे बाहर जा रहे ने असी इस सूबे से मजोरिटी खवाने से असी इतने मनोरिटी वाल जा रहे हैं मतलब कि कोई ऐसी नस नहीं हैगी पंजाब की जिहड़ी नहीं रिसदी इस वेले एको ही जिहड़ा पंथक तौर पर एको ही बंदा जिहड़ा दिखता है वह जथेदार जगतार सिंह हवारा दिखता कि जिहड़ा कौम दी बागडोर सामने तमिलनाडु के एवें दे लोग आपस के फटे नहीं हुए जां उत्थे दीआं सरकारां ने इहदा मतलब वह नहीं किए हुए उन्हां दे विच जिवें धर्म के नाँ के उत्ते पत्ता खेडिया जांदा तां इह मन लिए फिर इस करके उन्होंने रिहा हो गए। भाई साहब ये तमिल तुसीं बड़ा सोहना सवाल पूछ लिया इहदा तमिलनाडु की जिहड़ी गवर्नमेंट है इस वेले बड़ी नोटिस करने वाली गल आ कि उत्थे एक भी ब्राह्मण मिनिस्टर नहीं हैगा उस सरकार दे विच मिनिस्टर दे छड्डो एक MLA भी नहीं हैगा उन्हां दा RSS दा बंदा एक भी नहीं हैगा उन्हां दी विधानसभा दे विच वो सारे शूदर ने। ये एक साढ़े सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने उन्होंने नाल एक किते ये विशा असी छेड़ बैठे वो कहिंदे तुसीं मतलब कि यह नहीं गल कि मैं ये कहना चाहुंदा कि साढ़े इत्थे पंजाब च भी शूदरां दी सरकार होनी चाहिए आ बट वो एक जिहड़ी फोर्स आ जिहड़ी पाड़ पा रही आ जिहड़ी एक हिंदुत्व दा एजेंडा लैके तुर रही आ उन्होंने तमिलनाडु वालिआं ने उन्होंने बड़ी दूर रखिया होया इस करके बहुत वड्डा एग्जाम्पल आ कि उन्होंने अपने PM असैसीनेशन दे बंदे असैसीनेशन दे बंदे छुड़ा ले हालांकि साढ़े तो एक सूबे दे 28 सूबे ने वो 28 मुख्यमंत्री उन्होंने एक PM मारिया सी साढ़े तो जिहड़ा मारन दा भी एक बहुत वड्डा कारण हैगा कि उहदी असैसीनेशन संभालिक आ जे उन्हों ना मारदे शायद सिक्खी का खुरा खोज मिट जाना सी। बहुत वड्डे एग्जाम्पल्स ने भाई साहब ने दस्सिया कि ऐसे पिंड ने माझे दे विच
कि जिथे 10-10, 12-12 साल जंजा नहीं चढ़िया, इस करके नहीं चढ़िया कि नौजवान छड़िया ही नहीं सी। स्कूलां कालजां खेतां ते काम करन वालियां थावां तो चुक चुक के नौजवानों नूं मारिया गया। खालड़ा साहब की रिपोर्ट आ कि कला 6000 बंदा माझे चों ही मारता, लवारिस लाशां कह के साड़ता। तो जे उन्हों उन्हों मारता पापी को मारने को, पाप महाबली आ, उन्होंने तो बहुत वड्डा परकुपार कीता। उन्होंने पंथ की डिगी पग नूं चुकिया, वो तो साढ़े लिए जेडे रोल मॉडल ने, तो उन्होंने जिहड़ी सज़ा पूरी हो जानी उन्होंने ना छड़ना। फिर उस तो बाद 2015 के 10 लाख के संगत ने उन्होंने जिहड़ा जथेदार चुन लेना, ये सारियां गल्लां फैक्टर ने उन्होंने रिलीज़ करन दा। दूजी गल लीगल पॉइंट उत्ते भी आ जाने, देखो लीगल पॉइंट के तौर पर आप आचरण देखते हैं कि कैदी का आचरण कितना था जेल च। मेरे को नौवें जिहड़े पोलीटिकल सिख प्रिजनर्स ने जिन्हां दी आपां गल कर रहे हैं, जिन्हां करके खास तौर पर मोर्चा भी लगा, नौवें दे जिहड़े करैक्टर सर्टिफिकेट है कस्टडी सर्टिफिकेट, नौवें दे गुड करैक्टर ने। असीं नहीं कहिंदे तिहाड़ जेल कहिंदी आ, चंडीगढ़ जेल कहिंदी आ, ते अमृतसर जेल कहिंदी आ। जे हुण गुड कंडक्ट ने एड्डी वड्डी लंबी उन्हां दी जिहड़ी आ कैद हो गई आ, तो तुम होर चाहती कि सरकार की चाहती है? जहाँ अंदर बंदे मारते हो, कुटते हो, वेखो कई क्रिमिनल ने उन्होंने जेल च बैठे ही परचे पई जाते हैं। उदाहरण जिंदगी तिहाड़ जेल के बहुत ज़्यादा मुलाजम साढ़े ना जोड़ा वा लोकल रहन के तौर पर राबते च रेंदे ने। कई बंदे भाई शमशेर सिंह जी ने उन्होंने को उन्होंने भाई शमशेर सिंह नहीं कहें अंदर, असी कह रहे हैं उन्होंने बाबा जी कहें। इस करके बाबा जी कहते हैं कि उन्हां दी जिहड़ी धार्मिक रुचि बहुत ज़्यादा, वो सवेरे 2:30 या 3 बजे उठ के इनान करके सारे गुरद्वारा साहब जिहड़ा जेल दे विच आ बुड़ैल जेल च उहदी सारी वो सेवा करते हैं। इदां ही परमजीत सिंह भ्योरा ने उन्होंने भी सारी धार्मिक शख्सियत गिणते हैं, जगतार सिंह तारा नूं भी गिणते हैं। वो जिहड़े बंदे पतित ने उन्होंने वेख के सिक्खी वल आ रहे हैं, होर इस तों वड्डे रोल मॉडल की दईए? सो ये सरकारां नूं ये सब तो बेस्ट पॉइंट हैगा इस वेले भगवंत मान को 92 MLA ने इन्हां को ये रेजुलेशन पा देण कि तमिलनाडु की तर्ज पर, असीं कॉपियां भी दित्तियां इन्हां नूं तमिलनाडु की रेजुलेशन दियां कि तुसीं तमिलनाडु की तर्ज पर रेजुलेशन पा दिओ। देखो असीं नहीं कहिंदे इन्हां ने रिहा नहीं करना, रिहा करना सेंटर ने, क्योंकि यूटी का मामला है, यूटी का जिहड़ा सीधा डायरैक्ट प्रेजिडेंट नाल कनैक्शन हैगा, जिहड़ा उन्होंने 672 आर्टिकल वरतना है, पर वरतनगे तो ताई जे तुसीं करोगे कुछ, डायरैक्ट तो वरतना नहीं। उन्होंने ये रेजुलेशन पा के भेजना उन्होंने, रिकमेंड हो गवर्नर 72 आर्टिकल कहिंदा की है जी? 72 आर्टिकल जिहड़ा है जी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैगी आ प्रेजिडेंट को, जिड्डा मर्जी वड्डा क्राइम किया होवे प्रेजिडेंट को तरह तरह दी पावर ने उस सैक्शन के अधीन, वो गाड़ी सब सैक्शन है, वो सज़ा कम्यूट कर सकता, वो रिपराइव कर सकता, रिपराइव का मतलब कि मुढ़ तो खत्म कर सकता, वो बंदे नू एकदम जो भी वो चार्ज ने बिल्कुल खत्म कर सकता, उन्हों एकदम रिहाई दे सकता, उन्हों मर्सी पटीशन से भी गिन लेंगे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से भी गिन लेंगे। इदा ही 151 के गवर्नर को पावर आ। टैक्नीकल एक प्रॉब्लम आ रही है जी, खास करके यूटी के मामलों से। 11 जनवरी बहुत बड़ा काफिला फतेहगढ़ साहब तो चंडीगढ़ वाल आया, गवर्नर साहब नूं मिले सी, उहदे विच साडे वफद दे तौर ते सरदार अमर सिंह चाल सीनियर दीप सिद्धू मिले सी, दीप सिद्धू भी गया सी जी, दीप सिद्धू भी उत्थे प्रेजेंट। दीप सिद्धू ने इन्ने इंप्रेसिव वे ना उहनूं कन्विंस कर लिया गवर्नर नूं, गवर्नर ने यह गल कही कि असीं ये तुहाडे जिहड़े बंदे ने रिलीज़ कर देंगे जिन्हां दी 25 साल तो ज़्यादा इंप्रिजनमेंट। उहनूं 2 वारी टनका के पुछया दीप सिद्धू भाई जी ने, जदों दीप सिद्धू भाई जी वापस आए ने जां जिहड़ी गड्डी 'च गए आ, असीं सेम गड्डी 'च गए आ, ये ठीक सी उत्थे जिहड़ा फैक्टर ये सी कोविड दा उदों जिहड़ा चल रहा सी, प्रिकॉशन दे तौर ते 2 बंदे ही गए ने अंदर, उन्होंने दस्या सारी गल आ के मैनू कि भी आह गल हुई आ कि असीं उहनूं टणकाया कि तू कर देगा, वह कहिंदा जी मैं गवर्नर हाँ स्टेट का, मेरे तो उपर कोई नहीं हैगा इत्थे पंजाब लई, मैं कर दाँगा तुसीं चिंता ना करो। इहो ही गल जिहड़ी दीप सिद्धू ने बाई ने इस मैदान 'च खड़े हो के दस्से सी। इस तों बाद असीं एक फाइल तैयार की, कस्टडी सर्टिफिकेट ले, जिदा मर्जी असी RTI से मंगे जा अपने कुछ फेवर्स लिया लेके 2 दिनों के गवर्नर दे उत्थे पहुँचता करते। उस तो बाद असी लगातार
15 दिन बाद 20 दिन बाद गवर्नर हाउस पता करते भी की फेट निकलिया साढ़े मेमोरेंडम का, तुम तो कहते छड़ देंगे। अल्टीमेटली 4 महीनों बाद सानू टाइम मिले अप्रैल दे उस मीटिंग दे बापू गुरचरण सिंह, अमर सिंह चाल ते मैं सी। असी उस मीटिंग च गए, असी उन्हें दस्या भी ये मेमोरेंडम दिता सी। उन्हें गवर्नर ने बड़ी नमोशी जी की कि मैनू याद है जी तुसी आए सी, कहिंदा पर टैक्नीकल ग्राउंड ते मैं रिलीज़ नहीं कर सकता। बापू जी उन्हें गर्म हो गए कि तू 80 साल का दाना बंदा तू झूठ बोलता है। एक बंदा साढ़े नाल दीप सिद्धू आया सी उपर चला गया, उन्हें की जवाब देगा तू? इदा ही यही गल कही वो मथे ते त्रेलियां आ गई। वो कहिंदा जी ये बाबा जी नू बिठाओ, वकील साहब आप समझो टेक्निकल बात है, मैंने हाई कोर्ट के जजिस से ये ओपीनियन लिया कि मैं छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़। असी भी उन्होंने कहा कि जो तू वायदा करदा सी उदों ओपीनियन लेना सी, सानू झूठ नहीं बोलना सी। वो कहिंदा जी मैं गवर्नर ते पंजाब दा, केस साडा यूटी दा, यूटी दा मैं गवर्नर नहीं हाँ, यूटी का गवर्नर नहीं है, इस करके मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जी गवर्नर को 151 वो नहीं वरत सकता। असी टैक्नीकल तौर पर यह गलू चलो समझ की कोशिश की, समझे भी कि ठीक है एक हिंडरस। असी उन्होंने एक होर अल्टरनेटिव दिता उत्थे बैठे बैठे, असी उन्होंने कहा कि तू इदा कर, तू रिकमेंड कर इतों कि यह बंद कस्टडी हो गई आ, गुड कंडक्ट आ, तो प्रेजिडेंट मार्क कर दे। वो इस गल तो फिर मुकर गया, मतलब कि उन्होंने नीयत नहीं सी। वो फिर मुकरा कहिंदा जी मैं प्रेसिडेंट को रिकमेंड नहीं कर सकता, मैं इतना कर सकता हूँ कि आपका केस ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उनको उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं ट्रांसफ़र गल कि फॉरवर्ड कर देना। वो देखो इदा का साढ़े नाल बलफ होया, हुण मजबूर हो के सानू दोबारा ये मोर्चा लाना पिया। हुण कौमी मंगा होर जोड़तियां नाल जिहड़ियां इस वेले त्रासगी आ पूरे पंजाब दी। देखो भाई साहब कोई ऐसा कोई सिस कोई सूबा सुनिया जिथे मजोरिटी जे बंदे होण जे सूबे च, उस दी धर्म दी इष्ट दी पिछले 4 सालां दे विच 319 बार बेअदबी हो जानी और एक भी केस सिरे नहीं चाड़ना, और सज़ा की आ हासा ही आ कि 295 ए दी जिहड़ी आ 3 साल सज़ा हैगी आ, बंदे नूं सज़ा बाद च हुंदी आ, उहदी सस्पेंशन पहलां हो जांदी आ। हजे इदां दे केस आए ने कि एक केस ही मोगे दा कंप्लेनेंट घरे नहीं पहुंचिया, दोषी पहला घरे पहुंच गए, वो कहते की कर लिया तू साडा। सो इदा की स्थिति से सरकार नूं खुद चाहिए, बेदबियां हो रही ने। ये भगवंत मान का भी देश यो ही आ, गुरु ग्रंथ साहब ही आ, वह भी उन्होंने मत्था टेकदा, उसकी अपनी मॉरल ड्यूटी नहीं हैगी, उसकी अपनी रिलीजियस ड्यूटी नहीं हैगी कि मैं इन प्रोटैक्ट करा। इस तो व्डा निकम्मा बंदा कौन होएगा अपने धर्म में ही नहीं प्रोटैक्ट कर रहा पावर होने के बावजूद भी। हुण असी उन्होंने ये बेनती कर रहे हैं कि लाइफ की सज़ा करो, यदि लाइफ की सज़ा होनी चाहिए, यदि डेटरेंस आऊगी। ठीक है हुण 302 की सज़ा लाइफ आ, फिर भी कतल होंगे ने, पर ये तो नहीं है कि कोई फर्क नहीं पैंदा, डेटरेंस हैगी आ। बंद पता है जे असी आ कतल करना सानू आ सारी लाइफ खराब हो जानी आ, डेटरेंस जरूरी आ। और तीजा जिहड़ा मामला साढ़ा 328 रुपां दे, कभी सैकल स्कूटर चोरी होंदे ते वेखे सी, यह पहला मामला कि जिहड़ी SGPC सिखां दी सरमौर जथेबंदी आ उहदी जूरिसडिक्शन दे विचों उहदे कंट्रोल चों गुरु ग्रंथ साहब के सरूप चोरी हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो उस तो बाद जांच जनतक ना करो, तो जेडे कलपरेट्स ने एडे वे जुर्म दे उन्होंने तुम कोई सज़ा नहीं दो। कहते रिकॉर्ड के गलती सी और दुरुस्त करके तनखाई ये करार दिते बंदे, उन्होंने सजावं भी हो गई धार्मिक। देखो ये गल्लां सारियां इन्हां नूं झूठ ते पर्दा पाउण वालियां, इहदे विच कुछ मिनिस्टर्स इनवॉल्व ने, उन्हां दीआं जिहड़ी इन्हां दी ईशर सिंह दी एडवोकेट दी रिपोर्ट हैगी आ, इन्हां नूं जनतक करन च की प्रॉब्लम हैगी आ? जनतक कर दे, पता लग जूगा संगत नूं भी की हैगा। उहदे विच काफ़ी इन्हां ने फेवरेबल जिहड़ा ना, इन्हां ने इदां जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं समझिया सी कि जिद्दां इक सिंपल किताब हुंदी आ जी, जिहनूं हुकम करता दे दिओ, तुसीं रिकॉर्ड 'च कितना गलती होगी जी। सिखा लिए गुरु ग्रंथ साहब तो परे उजाड़ है, जिदा मुसलमाना लिए मक्के तो उजाड़ है, वो गलती कितना कर ली तुसी? ये कोई छपाई नॉर्मल छपाई तो नहीं हैगी, उ बड़ी वीडी एक प्रोसीजर आ, बहुत वीडी सिक्योरिटी आ, तो तुसी ये गल कह के पला नहीं झाड़ सकते। चौथी बहबल कलां गोलीकांड दा जिहड़ी आ, देखो ये सारियां नूं पता भी उत्थे रात नूं 12 बजे जिहड़ियां नितनेम कर दियां संगतां नूं तुसीं की प्रॉब्लम आ गई कि रात रात तुहानूं जिहड़ा गोली चलाउणी पई। हुण इन्हां दा खुद ही कमीशन सी रणजीत सिंह कमीशन, उहदे च क्लीयर हुंदा कि ये दोषी ने, प्रकाश सिंह बादल, सुमेर सिंह सैणी उहदे च दोषी ने,
उस तो बाद इस सरकार का आपका एम एल ए जिहड़ा आई जी सबका वो क्लीयर करदा कि ये दोषी ने होर की चाहिए इन्हां नूं क्यों नहीं करते। कुलतार सिंह संधवा वर्गा एक रिस्पोंसीबल बंदा जिहड़ा स्पीकर होवे एक विधानसभा का, दूसरा वो सिख होवे अमृतधारी सिख होवे, वो जाके कहे जी डेढ़ महीना दे दिओ ते असीं जिहड़ा दुध दा दुध ते पानी दा पानी कर देंगे, नॉमीनेट कर देंगे, हुण ओह किसी नूं मूँह नहीं दिखाउण दिया कि इन्हां तों आस करांगे। आ साढ़े जिदन का जिदन मोर्चा लगना सी उदन का साढ़े पिछे सारा सरकार जिहड़ी इन्हां दा एडमिनिस्ट्रेशन पिया, जिदन मोर्चा लगना सी उदन ही एक डी आई जी आ वो कहिंदा जी मैं तुहाडी कैबिनेट मंत्री नाल गल करा देना। असीं कहा जी गल गुल नहीं असीं करनी, हल कर दिओ, सानूं मोर्चा लाउण दा कोई शौक नहीं। वो कहते नहीं जी तुम गल सुन लो तुहाडे मामले हल कर देंगे। असी उन्हें एग्जाम्पल दी कुलतार संधवा वाली, वो चुप हो गया। मैं कह जी ये गल जी असी बड़ा दगा खादा, जे बरगाड़ी मोर्चे के भी यो ही गल हुई आज मंड साहब की हालत देख लो की हैगी, कोई उन्होंने विश्वास नहीं करता। ये जिहड़ा मोर्चा हुण इस करके जथेदार जगतार सिंह हवारा साहब ने यह व्यक्ति विशेष मोर्चा नहीं रहा, यह कौम का मोर्चा है, पंथ का मोर्चा है, पंथ डिसाइड करेगा और डिसाइड करन दा कोई नुक्ता ही नहीं आ, सिर्फ इक्को गल आ बंदी सिंह रिहा करके इस मोर्चे च ही आ जाण, लापता सरूपां दे बंदियां नूं सजावां करो कानूनी तौर ते, तनखाही करार दी गल नहीं बनदी, धार्मिक सजा वक्री आ, कानूनी भी दिओ ते जिहड़े बहबल गलां कांड दे दोषी ने उहनां दे ट्रायल कर दिओ। बिल्कुल, ते बाई जी तुसीं दिखा रहे ये जो तुहानूं दस्सिया गया जी खालसा जी दे पैरां दे, आ तुसीं थोड़ा जिहा फोकस करके पब्लिक नूं दिखा सकदे हो कि ਕਿਹੜੇ किस तरह वो चरणा च बैठा यार गोडी हाथ ला रहा है कि बंदी सिंघां नूं रिहा करन वास्ते मैं तुहाडे नाल आ, ते अज उही भगवंत मान नूं बंदी सिंघां दी रिहाई देख नहीं रही, अज कित्थे गया है? अज धरने लाउण वालिआं नूं वो कह रहा कि ये पागल ने जिहड़े उठ के घरां चों आ के धरने लाउण बैठ जांदे इत्थे सड़कां ते कि मैनूं होर भी काम हैगे। ये 2012 च कदों उस टाइम नहीं इहनूं चंगा लगदा सी, गल सारी सत्ता दी आ, जदों कुर्सी मिल जाती है सत्ता आ जाती हाथ च आ जाती पावर हाथ च आ जाती है तो सब चुप हो जाते हैं, आपदे आपदे कामां च लग जाते हैं। ये जिहड़ा मुद्दे जिहड़े मुद्दे ते इहने वोटां लईआं लोकां दे घरां च जाके बैठ के ये कहिंदा रिहा कि मैं तुहाडे नाल वादा करके जाना है कि बंदी सिंघां नूं बाहर लूँगा, मैं कढ़ाऊँगा जाके बाहर, मैं वादा करदा कि मैं तुहाडे नाल लड़ूंगा, अज वो वादे भुल गया। जिहड़े जिहड़े वादे किए इन्हें एक वादा इन्हें पूरा नहीं किया, एक वादा नहीं पूरा किया उन्हां चों। धरने लगते होंगे पहला लगते होंगे सके, यही भगवंत मान हों जरा लोगों जाके बजुर्गों बैठ के करता हूँ सगा कि बाकी सीएम मुदा धरनिया नहीं आते, मैं इन दे खिलाफ़ हाँ, ये बंदे आ ये बंदे नूं बंदा नहीं समझते, बजुर्गों के नाल गोडी हाथ ला नहीं लाते आण के, तो आप इन बजुर्ग नहीं दिते पे इतने धरनिया। सो ये है कि सत्ता आने तो बाद जिमें जिमें टाइम आ बंदा बदलता जाता, सानू असी नहीं चाहते कि ये रहे, वह भी नहीं तो रहना यह भी नहीं गा, जे आप दियां असूलों से इस तरह चलता रहा तो सन ये सानू यह भी असी इनू भी कहने कि तू आप दियां अखां खोल, जो चाहते आ बंदी सिंघां नूं रिहा करे, साडी जो इहदी मॉरल ड्यूटी है वह पूरी की जाए। राजपुरा साहब वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह। मान सरकार दे बंदे जां आम आदमी पार्टी दे समर्थक ये भी कहिंदे दिखाई दिंदे ने, वो कहिंदे बंदी सिंघां दीआं जिहड़ियां सजावां तां ओह तां बादल सरकार वेले पूरियां हो गईआं सी, अज भगवंत मान सरकार नूं बदनाम करन लई मोर्चा अज उहनां दी सरकार च लाउणा सुझिआ। बड़ा वधिया सवाल है जी उहनां दा, तुसीं उहनां नूं इह गल जरूर जाके पुछिओ जिहड़े भंते दे चेले ने कि जे सजावां पूरी हो के भगवंत मान नूं कहो छड्ड देवे, जे पूरियां हो गईआं ने उहनां सिंघां दी बंदी सिंघां दी सजावां उहनां नूं जेलां च डक्किआ क्यों होया है। सो जिहड़ा इह प्रोपेगंडा आम आदमी वल्लों रचिआ जा रिहा ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ
जदों गल आउंदी है जी बिल्कुल इंसाफ दे मुताबक जां कानून दे मुताबक एडवोकेट साहब ने भी दसे आ ते उदों धरने ते गल आ जांदी है। फिर देखो जदों इंसाफ ना मिले ते दो चीज़ां ने सिखां कोले, ठीक है, पहला तो खुद इंसाफ लेना सिखां कोल धरने वाला काम, ठीक है, वो एक पार्ट हो सकते ने कि असी मान लो जिहड़े धरने ने या मुजाहरे ने उन्हां लई लामबद्दी जरूर हो सकती है कि जिवें सानू 1984 तो लैके अज तक इंसाफ नहीं मिलिया, जेकर उस गल नूं असी रिपीट ना करिए ना वो मुजाहरे करिए तो लोगों तक वो मैसेज नहीं जाऊगा कि साडे नाल इंसाफ नहीं होया सीगा। पर एक गल दस्सो, जथेदार अकाली फूला सिंह जी की जथेदारी दे विच आ हालात होने सी कौम दे? देखो जी जे कित साडे सिख राज हुंदा या जथेदार अकाली फूला सिंह वर्गे साडे कोल जथेदार हुंदे ते बिल्कुल भी नहीं ये हालात होने से, कदे भी नहीं होने से। दूजा एक होर सवाल है भगवंत मान जी नूं, वो तुसीं भी करियो या उन्हां दे जिहड़े चेले मिलण, कि मैं संगत की जानकारी लई भी दसना चाहुंदा 1999 दे विच आपां हुणे इन्हां ने शहीद बनाया भगत सिंह नूं कि भगत सिंह शहीद है। मैं भी कहना मैनू कोई इतराज नहीं जे कोई शहीद कहिंदा, मैनू कोई इतराज नहीं, भगवंत मान की सारी पार्टी उन्हूं आम आदमी पार्टी का शहीद बनाने लगी हुई है, इसलिए उन्होंने कल्ली भगत सिंह की फोटो लुहाई है, वो वक्री गल है कि महाराणा रणजीत सिंह की उतारी गई है। पर इत्थे एक वड्डी गल है, जे आपां इन्हां दी भी गल मान लीए कि भगत सिंह शहीद है, 1999 दे विच भगत सिंह की भैण के मुंडे नूं चुक के पुलिस ने झूठे पुलिस मुकाबले दे विच मारिया, उन्हूं गोलियां नाल भुन्निया गया। भगत सिंह दे परिवार ने 25 साल इंसाफ की लड़ाई लड़ी है दोषी पुलिस अफसरों को सज़ा दवाने के लिए, 25 साल बाद सज़ा होंदी है, 4 साल वो जेल कटते हैं पुलिस अफसर, 4 साल बाद कैप्टन सरकार केंद्र सरकार कट्ठिया होकर धारा 161 के अधीन उन्हें रिहा कर देंगे ने, जाओ जी सज़ा माफ़ होगी, उम्र कैद सज़ा होंदी है जी, 4 साल छड़ देंगे ने। तो साढ़े जड़े LOP होंगे ने उस समय आम आदमी पार्टी के हरपाल चीमा, वो बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चंडीगढ़ कि यह बड़ा मनुखी अधिकारों का घाण होया, भगत सिंह की जेडे भैन का मुंडा सी जिन्हों झूठे पुलिस मुकाबले च मारिया वो कातलों छड़त्या, साड़ी सरकार होंगी असी इदा ना करते। हुण जदों इन्हां दी सरकार आई है इन्हां ने भगत सिंह नूं हीरो भी बनाया, उन्हूं शहीद का भी दर्जा दिता, उहदी फोटोआं भी कल्ले कल्ले थाने च लाती, सरकारी दफ्तरां च लाती, सानू कोई इतराज नहीं, लाउण होर ला दें दो ला दें। पर मैं एक गल जरूर बेनती करना, उहदी जिहड़ी भैण दे मुंडे नूं इंसाफ तां दे दिओ, उन्होंने अज तक इंसाफ नहीं मिलया, वो जे परिवार ने भगत सिंह के परिवार वाले ने 10 बारी भगवंत मान को मिलना है, उन्होंने टाइम तक नहीं दिता गया, इंसाफ देना तो कितों की गल है, क्यों नहीं समा दिता गया, सिर्फ भगत सिंह के नाँ के उत्ते सियासत हुई है। सो ये बड़ी गल्लां ने सियासतदाना दियां कि वह किधर नूं लैके जा रहे ने, इन्हां ने तो भगत सिंह का परिवार नहीं छड्डिया, सिखां नूं वखरे कितों इंसाफ दे देणगे ये। सो ये सारे जिहड़े प्रोपेगंडे ने सरकारां दे रचे हुए ने, तुसीं भी पुछियो कि भगत सिंह की भैण के मुंडे नूं इंसाफ कदों मिलेगा, वह पुलिस अफसर अज भी खुलेआम घूम रहे ने, उन्हां नूं कोई सज़ा नहीं, ना तो उन्हां नूं उहदे खिलाफ़ दोबारा इंक्वायरी हुई है, ना कोई कोर्ट ने बुलाया, ना किसी थाने ने बुलाया, किसी ने नहीं पुछया, DIG बसरा मैं ना लैके गल करांगा, उन्हूं किसी ने नहीं पुछया है। बिल्कुल तुहाडा सवाल जरूर सरकार तक और असीं जरूर रखांगे जिथे भी साडे नाल मेल हुंदे आ उहनां दे। पर जे चलो भाएं मानते हैं भी सरकार इस गल नूं डरदी है भी जिहड़ी हिंदू वोट नाराज़ हो जूगी जे छड़ता ये काम हो गया जां साडियां वोटां नूं घाटा हो जूगा, तो तुसीं सरकार नूं की इस तरह समझा सकते हो भी ए जे बंदी सिंह बाहर भी आउंदे आ तां इहदे नाल ना तां पंजाब दे हालात खराब होणगे ना ही हिंदू वोट नाराज़ होएगी, इहदे नाल सरकार दा लाहा ही आ उह किवें हो सकदा, तुसीं टैक्नीकली समझा दिंदे हो। देखो जी ये गल ना समझाने की लोड़ है ना समझाई जा सकती है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी बड़ी इंटलैक्ट हैगी इस गल्लां तो, अफसरां नूं पता हुंदा ना ही ना गल्लां दे नाल हालात खराब होने ने जे बंदी सिंह बाहर आउंदे ने। हुण मैं 2010 च जेल च गया सी, 16 च बाहर आया, तकरीबन मैं 5.5 साल जेल कट्टी है, मेरे उस समय के दौरान 10 तो लैके 16 दौरान घट्टो घट 400 नौजवान जेल च आए ने ते गए ने, उहनां नाल तां हालात नहीं खराब होए, आ 9 बंदियां नाल कित्थों हालात खराब हो जाणगे, बिल्कुल भी नहीं हालात खराब हो सकते। ये तो साढ़े खिलाफ़ एक प्रोपेगंडा रचया जाता कि जे बंदी सिंह बाहर हो गए आ होजू, जे बंदी सिंह बाहर आ गए वह होजू, ये बिल्कुल झूठी गल्लां ने। अज भी तो दोष लगते हैं ना इल्जाम भी जिहड़े मंत्री ने जां उह धक्काशाही कर रहे नौजवानों का घाण किया जा रहा, नौजवानों नूं जेलों च झूठे परचे पाए जा रहे, कलू कहिंदे जे इन्हां दा खून फेर खोल गया इन्हां बंदी सिंघां दा ही, बेअंत सिंह वाला हाल जे इधर करते फिर किसी मंत्री का। देखो जी जे खून खोलना
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਟ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ देखो जे इन्हां नूं इह खर्चा हैगा कि कोई बंदी सिंह जिहड़े असीं रिलीज़ कर दांगे वह दोबारा क्राइम करनगे ये खदशे तो इमेजिनेटरी गल्लां जां कंजक्टर्स ते नहीं चल सकती ये ला इन्हां नूं रिलीज़ कर देण मान लो जे दोबारा क्राइम करदे ने तुहाडा कानून भी उत्थे ही आ तुहाडी पुलिस भी उत्थे ही आ फड़ लिओ अरैसट कर लिओ ये जिहड़ा समराइज़ नहीं कर सकते कि सानूं खदशा है जी वह कर देणगे करनगे फड़ लिओ तुसीं कित्थे चले जाणा इत्थे ही रहना उन्होंने भी बहुत सारे कातल होंगे क सजा कटते हैं पूरी उम्र कैद कट के आते हैं फिर वो कतल कर फिर फड़ लेंगे उन्होंने बस यो गल कहने असी कानून उत्थे ही रहना बंदी सिंह भी उत्थे ही रहने ने पहली गल तो कोई इदा की गल होनी नहीं हूँ जे होंगी भी आ ते तुसी फिर ते फिर ये जो तो छोड़ो ही ना किसी भी जो साध्वी प्रिग्या आए साध्वी प्रिग्या तीन बंब ब्लास्ट कर दी है मालेगांव बंब धमाका अजमेर शरीफ बंब धमाका पानीपत बंब धमाका ये 300 बंदे जख्मी होंगे ने तकरीबन 12 तो 18 बंद की मौत होंगी जिद 5 तो लेकर 6 के गिणती बच्चों की है जिन्हों की लत्तां दे बाहां ट्रेन नाल चिपकिया तो जिहड़े अंदर बाद डॉक्टर गए उन्होंने उतारिया ने और जिहड़ी साध्वी प्रिग्या बंब ब्लास्ट करती है वो तो ये चीज़ा क्यों नहीं लागू हुई उन्होंने तो इन्हू एम पी बनाते हैं लोग सभा मैंबर है वह जिहड़ी जिहड़ी एक प्री प्लैनिंग तरीके दे नाल चलान तुसीं पढ़ के देखो थली साहब जरूर पढ़ो एक बारी थोड़ी अखां चों जे ना पानी आ गया तां क्यों क्योंकि जिहो जे हालात बच्चों दे कीते उहने मारतिआं उहनां नूं छोटे छोटे बच्चों नूं 1.5 साल की बच्ची की इन्नी बुरी तरीके नाल हालत सीगी जिहड़ी उहने बंब धमाके च मारी है उहनां दे बारी क्यों नहीं हालात खराब होंदे सिखां दे बारी क्यों फिर जे जथेदार साहब जदों रणजीत सिंह जी होरां नूं जथेदार बना के बाहर लिआंदा जांदा तां अज्ज असीं हरेक श्रोमणी कमेटी भी काले चोले पा के कह रही साडी कौम दे महान हीरे फिर एक जथेदार बना के नहीं लिया सकते जी देखो जी बिल्कुल बना के लिया जा सकता हुण जिहड़ी श्रोमणी कमेटी दी तुसीं गल कीती है ये सारा एक ड्रामा रचिया जा रहा हुण जे श्रोमणी कमेटी ते अकाली दल दी गल करना देखो श्रोमणी कमेटी साडी शहीदां दी जमात है पर उहदे उत्ते काबज बादल परिवार है हुण जिहड़ी अनलाफुल एक्टिविटी है जिहदे अधीन सैकड़े मुंडे नौजवान जेलों च डके ने सब तो वध उहनूं लैके कौन आया पंजाब च 2009 तो पहले तो अनलाफुल एक्टिविटी नहीं सी टाडा तो बंद हो गया सी टाडा तो भी माड़ी धारा कौन लैके आया सुखबीर बादल लैके आया पंजाब च ताकि मैं सिख जथेबंदियों अपने थले रख सकां इन्हां दे जिहड़े आगू ने उन्हां ते अनलाफुल एक्टिविटियां लाइया जाण ताकि इन्हां नूं अपने कंट्रोल च रख सकां सब तो वध जे तुसीं RTI आके डाटा कढ़ा लो सब तो वध सिख नौजवानी का घाण होया या गिरफ्तार होए ने सिख नौजवान इन्होंने किते ने वो बादलों के टाइम होए ने मेन दोषी तो यह ने तो अज यही बंदे कागज़ का टोटा लेके कहते साइन कर दो जी हद होगी कांग्रेस भी तो कांग्रेस कह लिए जां फिर रवनीत बिट्टू होरी वो कहने अत्तवादी छुड़ाने के लिए होर अत्तवादी फिरदे उत्थे देखो जी हुण जिहड़ी कांग्रेस की भी गल है अत्तवादी किनू कहा गया अत्तवादी का मतलब कौन है जिहड़ा वादी दे विच जिन्हें वादी दे विच अत्त चक्की हुंदी अत्त चक्की हुंदी या बेगुनाह नूं मारे पहली गल तो अज तक UNO भी फैसला नहीं कर सकी कि अत्तवादी है कौन है क्योंकि वह UNO कह रही है कि जिहड़ी कंट्री है कंट्री अपने लोगों के अत्याचार कर दी है उत्थों के लोग इंसाफ लेंदे ने वह कंट्री कहती वह अत्तवादी है तो जिहड़े संघर्षी लोग ने वह कहते कि यह साडे शहीद ने वह कहते असी तो फैसला ही नहीं कर सकते कि अत्तवादी है कौन है ये रवनीत बिट्टू कितों जम गया फैसला करने वाला हुण अत्तवादी तो असल च इहदा जिहड़ा बेअंत सिंह सीगा जिन्हें पंजाब का सिख नौजवान छड़ना ही नहीं सी किन्ने सिख नौजवान ने जेडे उन्हें मतलब आप चौराहे का खड़ा के गोलियां मरवाइया ने आप मैनू कई पुलिस अफसर दस चुके ने कि वाकई जे बेअंत सिंह जीउंदा हुंदा कि अद्धी तो वध जिहड़ी सिख नौजवानी है वह खत्म कर देनी सी सिंह साहब तुसीं खदशे की गल की है की खदशा जी तुहानूं सानूं खदशा यह है जिहड़ी मुगलों की रूह है ना ये साडे वाले आ गई ना जिहड़े हुण राज कर रहे चाहे दिल्ली ते चाहे पंजाब ते है तो थोड़ा पता मुगलों ने की किया मुगलों का फिर भी एक स्टैंड सी और सामने लड़ रहे थे सामने भी लड़ रहे हैं तो साड़ी जड़ा ही वढ़ रहे हैं साड़े सिखी भी खत्म कर रहे हैं नशे भी बेच रहे हैं सारे काम करते हैं जिहड़ी तुसीं गल कीती अत्तवादी की बिट्टू नूं पुछो जब तेरा दादा सी CM तुसीं की करदे हो शाम नूं किन्नियां कुड़ियां चक्कियां तुसीं ठीक है जी खेती किन्ने चक्की सी ये अत्तवादी होने हैं सानू दावे नाल तुसी गल करदे हो ना खेतिया कांड सानू पता है जी
केते कांड किनू पता जी, उस टाइम तो माहौल चंडीगढ़ पुछ लो 17 सेक्टर जिन्ने उस टाइम लोग रहते साढ़े सामने केस होया। हाँ जी, सो बिल्कुल बंदी सिंह की रिहाई ते होर मंगां नूं लै के मोर्चा चल रहा है, सरकार दे उत्ते प्रैशर भी बन रहा है, पर इस प्रैशर दे विच्चों निकलदा की है हुण ये वेखना होगा। सतनाम सिंह ते गुरप्रीत सिंह दे नाल जगदीप सिंह थली, पंजाबी लोक चैनल।